नमस्कार दोस्तों, बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। सौरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुगल काल के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले आज बात करेंगे बाबर के बारे में। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो है बाबर, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए बाबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था और एक घाटी है फरगना, फरगना घाटी, ये उज्बेकिस्तान में है, फरगना घाटी, इसमें बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो इसके पिता का क्या नाम था, बाबर के पिता का क्या नाम था, ठीक है। उनके जो बाबर के पिता का जो नाम है वो उमर शेख मिर्जा है, ठीक है। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। और अगर बात करें बाबर के शासनकाल की तो 1526 से लेकर 1530 तक ईस्वी इनका शासनकाल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो बाबर की जो माता का नाम है वो क्या है, ठीक है। बाबर की जो माता है कुतलुग, कुतलुग निगम खानम, ये बाबर की माता का नाम है, ठीक है। और बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगम खानम है, ये माता का नाम है बाबर की, ठीक है। उसके बाद देखो जो बाबर है ये एक चंगाई दुर्ग है, ये एक चतगाई दुर्ग है, ठीक है, याद रखनी होगी ये बात। उसके बाद देखो देखो सबसे पहले बाबर के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तोप खाने का सबसे पहले प्रयोग किया था बाबर ने, ठीक है। उसके बाद देखो बाबर है वो अपने आप को, बाबर ने अपने आप को सुल्तान की जगह, सुल्तान की जगह बादशाह को पुकारा, ठीक है, सुल्तान की जगह अपने आप को बादशाह पुकारा, ठीक है। उसके बाद देखो एक बात याद रखनी है, बाबर ने भारत पर 4 प्रमुख युद्ध किए थे, ठीक है, 4 प्रमुख युद्ध किए थे 1526 से लेकर 1530 तक। एक बात ये और याद रखना, जो बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर और 1530 को हुई, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, तो ये आगरा है ना, आगरा इनके जो शव है, शव को जो आगरा में राम बाग है, राम बाग में इनको दफनाया गया, आगरा के राम बाग में बाबर को दफनाया गया। उसके बाद इन्हीं के चुने गए जगह पर है ना काबुल में दफनाया गया, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ इनको काबुल में दफनाया गया, इन्हीं की जो चुना गया था वो जगह है वो काबुल थी, ठीक है, वहां पर दफनाया गया काबुल में, पहले आगरा के राम बाग में दफनाया गया था इनके सब, ठीक है। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है। जो 4 युद्ध किए थे प्रमुख, भारत में 4 प्रमुख युद्ध किए थे जो बाबर ने, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 4 युद्ध की बात करते हैं, सबसे पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, बाबर ने सबसे पहला जो युद्ध किया था वो पानीपत का युद्ध किया था, कब किया था, 21 अप्रैल 1526 को, बाबर का युद्ध है, चारों बाबर के युद्ध है, और किसके साथ किया था, इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है। इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर की इसमें जीत होती है, ठीक है। बाबर की जो मृत्यु होती है इसमें हारा जाता है, इसमें मारा जाता है, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, तो इसका जो मकबरा है इब्राहिम लोदी का मकबरा वो कहाँ पर रहेगा, पानीपत में रहेगा, ठीक है। बाबर ने इस युद्ध के जीतने के बाद, और यहां पर काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है मरने के बाद वो पानीपत में रहेगा, ठीक है।
पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत। उसके बाद देखो दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का जो युद्ध है वो होता है 17 मार्च 1527। कब होता है? 17 मार्च 1527 को। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा का जो युद्ध होता है वो राणा सांगा के साथ होता है। ठीक है, राणा सांगा के साथ, इसमें राणा सांगा की हार होती है। ठीक है, और बात करें राणा सांगा की हार होने के बाद खानवा के युद्ध में उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। बाबर है ना, बाबर, बाबर ने जिहाद जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, जिहाद का नारा कौन से युद्ध के बाद दिया? तो खानवा के युद्ध के बाद दिया, और जो गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया खानवा के युद्ध के बाद। यह है दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में। ठीक है, चंदेरी का जो राजा है मेदिनी रॉय के साथ होता है। ठीक है, मेदिनी रॉय के साथ होता है, और बाबर, इसमें जो मेदिनी रॉय है उसकी हार होती है बाबर की जीत होती है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, चौथा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था घाघरा का 1529 में। किसके साथ हुआ था वो? अफगानों के साथ। ठीक है, अफगानों के साथ हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। याद रख लो ये बात, इसमें अफगान हारते हैं बाबर जीतता है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा सीईटी का पेपर चल रहा है तो उसमें हरियाणा जीके की दो तीन बात और बताता हूँ मैं। देखो बाबर का जो विद्रोह हुआ था वो दो जगह से हुआ था हरियाणा। ठीक है, बाबर का विद्रोह हुआ था वो दो जगह से हुआ था हरियाणा। हरियाणा जी की बात है, हरियाणा में जो विद्रोह हुआ था बाबर का दो जगह से हुआ था। एक तो मेवात से हुआ था जो 1527 में हुआ था। किसने किया था? हसन खां मेवाती। ठीक है, मेवात से और 1527 में हसन खां मेवाती मारा जाता है इसमें। ठीक है, 1527 में हसन खां मेवाती मारा जाता है। और हसन खां मेवाती है जो कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो है नलहड़ में, नलहड़ मेवात। ठीक है, मेवात एक बात है, नलहड़ मेवात में है हसन खां मेवाती कॉलेज। उसके बाद देखो 1530 में एक विद्रोह होता है 1530 में। वो किस कौन करता है? वो करता है मोहन सिंह मंडार करता है। मोहन सिंह मंडार राजपूत है, कहाँ से करता है? कैथल से विद्रोह। बाबर का दो जगह विद्रोह हुआ था। इनकी जो मृत्यु है बाबर की वो 26 दिसंबर भी मैंने बताई है 1530 को मृत्यु होती है। ठीक है, उसके बाद देखो हुमायूं है वो शासक बनता है, राजा बनता है 1508 में। काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। ठीक है, और वो ज्योतिष पर विश्वास रखता था। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हुमायूं पर ही रहेगा। ठीक है, उसके बारे में सभी बातें बता देंगे जो हुमायूं है। तो बाबर की दो तीन बातें और है वो और करवाता हूँ मैं एक बार। जो बाबर है उसने मुंबईयान शैली को अपनाया, मुंबईयान शैली को अपनाया। ठीक है, और एक याद रखना है कि तमगा कर समाप्त किया और मुंबईयान शैली को अपनाया। ठीक है, इनकी जो किताब है बाबर की, जो किताब है जो आत्मकथा है बाबर की, तो याद रखना एक तो है बाबरनामा और या तुजुक ए बाबरी, या तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी है, ये कौन सी भाषा में है? तो याद रखना ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, ये किसकी है? बाबर की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक बात और है कि ये बाबर है अपने आप को प्रधानमंत्री के समान, अपने आप को प्रधानमंत्री के समान मीर पद अपनाया। ऐसे लिख लो, प्रधानमंत्री के समान मीर पद अपनाया। ठीक है, बाबर ने अपने आप को प्रधानमंत्री के समान मीर पद को अपनाया। ठीक है, उसके बाद देखो बाबर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। उसने एक बात याद रखनी है आपको कि चार बाग शैली को भी अपनाया था। ठीक है, ऐसे लिख लो कि चार बाग शैली को अपनाया।
ठीक है, याद रखना चार बाग शैली को अपनाया। और एक बात और याद रखनी है कि आगरा में प्रसिद्ध आराम बाग है। देखो आगरा में प्रसिद्ध है आराम बाग, आराम बाग, ठीक है। आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने ही बनवाया था आगरा में आराम बाग, ठीक है। और एक बात याद रखनी है कि जो बाबर है, बाबर का सेनापति है मीर बाकी, देखो बाबर का एक सेनापति है मीर बाकी, मीर बाकी, बाबर का सेनापति है मीर बाकी, ठीक है। बाबर का जो सेनापति है मीर बाकी, उन्होंने जो अयोध्या है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो सेनापति है मीर बाकी बाबर का, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। जो हमारा बाबर है मुगल वंश का जो संस्थापक है, वो कंप्लीट होता है बाबर, ठीक है। कल हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और शाम को हमारी 9 बजे लाइव क्लास है हरियाणा जीके की, ठीक है, वो करेंगे। धन्यवाद।